हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा की सूची जारी होने के तीसरे दिन गुरुवार देर रात कांग्रेस ने पहली सूची जारी की। वहीं पहली सूची में जालौर से मंजू मेघवाल, आहोर से सवाराम पटेल, भीनमाल से डॉक्टर समरजीत सिंह, रानीवाड़ा से रतन देवासी और सांचौर से सुखराम विश्नोई को टिकट मिला है। इसके बाद शुक्रवार सुबह जालौर में मंजू मेघवाल के निवास पर कांग्रेसियों की भीड़ नजर आई। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेसियों की भीड़ मंजू मेघवाल के निवास पर सुबह से ही फूल माला पहनाने वालों की भीड़ नजर आई। वहीं पटाखे छोड़कर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद भी दी। इस दौरान सुल्तान खा भाटी, पन्ने सिंह पोसणा, मोती सिंह निम्बलाना, पहाड़ खा नाजिम खान, ईश्वर सिंह वासन, हनीफ खा गोल, तेज सिंह बलावत, सलीम मोयला, शकील मेहर, गणेशाराम चौधरी, सावलाराम देवासी, आलम खान खेतलावास और बलवंत सिंह सांगाना सहित काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि लोगों के हित में और जनता के हित में जो कार्य है उसमें ना मैं कभी पीछे हटूंगी, उस कार्य में मैं हमेशा अपनी कार्यशीलता दिखाती रहूंगी। जैसे 5 साल मैंने प्रमुख कार्यकाल में काम किया, वैसे ही कोशिश करूंगी कि इस कार्यकाल में भी लोग कार्यकर्ता और जनता की कोई शिकायत ना आए और उनके काम पे मैं खड़ा उतरूंगी। धन्यवाद। जय। हालांकि जालौर से पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल का टिकट काटकर नया चेहरा मंजू मेघवाल को टिकट दिया, जबकि चारों विधानसभा में पुराने प्रत्याशियों को ही मौका मिला है। वहीं भाजपा से जालौर में जोगेश्वर गर्ग को उतारा है तो आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित, भीनमाल से पुराराम चौधरी, रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल और सांचौर से दानाराम चौधरी को मैदान में उतारा गया है। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।